नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। मैं हूं इंदर और आप देख रहे हैं धाकड़ क्रिकेट। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एशिया कप 2018 की। तो एशिया कप 2018 के अंदर आज हम बात करेंगे उन पांच बल्लेबाजों की जो हो सकते हैं सबसे डेंजर, यानी कि सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा रन बना सकते हैं और अपनी टीम को विजेता बना सकते हैं एशिया कप 2018 की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश टीम की। बांग्लादेश की तरफ से उनके ओपनर तमीम इकबाल सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं एशिया कप 2018 में, क्योंकि तमीम इकबाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शानदार फॉर्म दिखाई थी और एशिया कप में भी वो फॉर्म दिखा सकते हैं। तमीम इकबाल शानदार सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं बांग्लादेश की तरफ से, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए और सेंचुरी भी बनाई है। तो चलिए अब बात कर देते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की तरफ से सबसे खतरनाक हो सकते हैं बल्लेबाजी में, जो अभी हाल ही की फॉर्म देखी जाए तो एंजेलो मैथ्यूज शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और एक बार फिर वो कारनामा कर सकते हैं, शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं और टीम को विजेता बना सकते हैं इस बार एशिया कप 2018 में। उन्होंने अभी हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, और उसी के चलते हम देख सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन होकर। वहीं पर अगर हम बात करें तीसरे नंबर की टीम, तो तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से उनके ओपनर बल्लेबाज फखर जमान शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनके दोनों ओपनर वैसे शानदार प्रदर्शन करें, लेकिन फिर अभी हम चुनते हैं फखर जमान को, जिन्होंने अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार दौरा शतक जड़ा था। 210 रन बनाए थे उन्होंने, जिसमें 24 चौके और 5 छक्के शामिल थे, और इसी के चलते उन्होंने शानदार दौरा शतक जड़ा था और दौरा शतक लगाने वाली सूची में पाकिस्तान टीम का भी नाम उन्होंने लिखवा दिया ओडीआई क्रिकेट में। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया के। तो टीम इंडिया की तरफ से हमने दो बल्लेबाज चुने हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। दोनों शानदार भूमिका निभा सकते हैं एशिया कप 2018 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली शानदार फॉर्म में। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं उन्होंने, और सेंचुरी लगाना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि काफ़ी जल्दी वो सेंचुरी लगा सकते हैं। 35 शतक जड़ चुके हैं अब तक ओडीआई में, और इसके चलते वो एक बार फिर इस एशिया कप में भी एक कमाल कर सकते हैं। वहीं पर बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा 3 दौरे तक जड़ चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में, और उम्मीद है कि एक और एशिया कप में मिल जाएगा, कि जिस तरह का प्रदर्शन वो करते आ रहे हैं। इंग्लैंड में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था वनडे और T20 दोनों में, और ये फॉर्म बरकरार रख सकते हैं वो एशिया कप में भी, और एशिया कप में टीम इंडिया को शानदार तरीके से जीत दिला सकते हैं और बड़े स्कोर बना सकते हैं। तो चलिए यही थे वो पांच खिलाड़ी जो सबसे डेंजर साबित हो सकते हैं एशिया कप 2018 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर कर दें, और कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें।